ये भी नियमित है। प्रसंग अगर किसी शख्स का कोई करीब तरीन आजीज मर जाए, उसे इतना शौक होगा, अगर वो शौक मुसलसल कायम रहे तो मजा आएगा खुद शौक से। अगर किसी को बहुत बड़ी खुशी मिली, वो खुशी में घूमना है उसको, अगर वो खुशी रहते हैं तो भी मर जाएगा, ये टेंशन है। घूमना एक नियामत है। इस पर बहुत रिसर्च हुई कि इंसान किस रफ्तार से घूमता है, क्योंकि हमको याद करना है हम घूमते भी हैं, तो हमको ये बात यकीन बनानी है कि हम घूम ना पाए। अगर आप 100 बातें सीखते हैं, ये 10 और 10 स्क्वायर्स हैं, 100 है, 10 बाय 10, 10 बाय 10, अगर आप 100 बातें सीखते हैं तो एक घंटे के अंदर आप 70% घूम जाएंगे। सब रिसर्च है। अगर आप एक घंटे के बाद इसका अनुस्था करें, रिवाइज करें, तो फिर एक दिन के बाद आप फिर 70 घूम जाएंगे। एक दिन के बाद अगर आप अनुस्था कर लें तो एक हफ्ते के बाद आप फिर 70 घूम जाएंगे। एक हफ्ते के बाद फिर रिवाइज कर लें तो एक महीने तक याद रहेगा। एक महीने के बाद रिवाइज करें तो 6 महीने याद रहेगा। यानी आप 100 बातें सीखते हैं तो एक घंटे के अंदर 70 बातें बहुत फास्ट भूल जाएंगे। एक घंटे के अंदर रिवाइज करिए आपने तो एक दिन तक याद रहेगा। एक दिन के अंदर रिवाइज करिए एक हफ्ते तक याद रहेगा। एक हफ्ते के अंदर रिवाइज करिए तो एक महीने याद रहेगा। एक हफ्ते महीने के बाद तो 6 महीने याद रहेगा। कितना रिविजन करना है? 10 मिनट का, हर घंटे के लिए 10 मिनट का औसतन। मसलन अगर आप आज आधा घंटा या एक घंटा आपने तालीम की हो, सीखा हुए सबक, तो कल आपको कम से कम आधा घंटा देखा हो तो कम से कम 5 मिनट के लिए दोहराना है आपको। अगर आप नहीं दोहराएंगे तो 70% भूल जाएंगे। ये है दिमाग के उसूलों का लिहाज करना। जैसे आज आपने आधा घंटा एक बाग लगाया, मेहनत की, उसमें साड़ियां झाड़ झंका निकाले, क्यारियां बनाई, पानी दिया, बीज लगाए, मेहनत की आपने आधा घंटा। कल 5 मिनट उस पर पानी देना है, पानी नहीं देंगे तो 70% बीज मर जाएंगे। तो आपका अमुख का निजाम कैसा हो? एक घंटे के बाद, एक दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद और 6 महीने के बाद। ये जनरल सिस्टम है। हम चाहते हैं कि कुछ सादे सीधे नंबर तजवीज करें, ऐसे ही आसान, जिसमें ये चीज आसानी होती रहे। वैसे भी आप अल्लाह ताला से रोजाना नमाज़ में बात करते हैं रिवीजन में, बशर्ते कि आप समझ कर पाए और कोशिश करें। ये बहुत आसान होमवर्क है और ये सिस्टम को याद रखिए। आज जो किया है आपने कल रिवीजन करना है, वरना ये मत कहिए कि मेरा दिमाग कमजोर है। नहीं, आपका दिमाग अच्छा है। गैर जी अपने दिमाग को इल्जाम देने की जरूरत नहीं। और ये भी मत कहिए कुरान मुश्किल है, अरबी मुश्किल है। आपने मेंटेनेंस है नहीं किया लर्निंग का, तालीम का। और ये भी मत कहिए टीचर अच्छा नहीं है। इसी पर हम आज का सबक खत्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسمح بصوتي